प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत। फिर से प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने अभी तक संभाला और मैं आशा करता हूँ कि सभी को परमेश्वर संभाल रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब जन खुश है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर देने के लिए। पिताजी स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ प्रभु जी हम बात करेंगे, प्रभु हम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करो और परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता जो भी वीडियो देखेगा, जो भी सुनेंगे पिताजी, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर हो और नई बातों से बात नहीं प्रभु जी बात उनके जीवन में सीखने के लिए मदद करो। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद। आज हम लोग उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हम मेहनत करने पर भी हम दुखी क्यों हो जाते हैं, निराश क्यों हो जाते हैं। मेहनत करने पर भी बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। और मेहनत करना ही चाहिए क्योंकि मेहनत करने से हमारी सारी जरूरत पूरी होती है और सारी जरूरत पूरी करने के लिए हमें मेहनत करना जरूरी है। बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करते हैं इसलिए उनके जीवन में बहुत सारे परिस्थिति विकट रहती है और परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूँ कि मेहनत करना जरूरी है क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तभी परमेश्वर का आशीष भी होता है और जो हम मेहनत करते हो हम खाएंगे भी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग परिश्रम करते हैं लेकिन कुछ बातों के लिए परेशान भी रहते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 9 घंटा ड्यूटी करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं लेकिन फिर घर में आने के बाद वो दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। मेहनत तो करते हैं, हो सकता है कि परिवार का टेंशन, हो सकता है कहीं परिस्थिति का टेंशन, हो सकता है कि कर्जा में डूबे हो या हो सकता है कि पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, ऐसे बहुत सारे ऐसे कारणों से हमारे जीवन में परेशानी आती है और हमारा मन चिड़चिड़पन करता है क्योंकि सारी जरूरत पूरी नहीं होती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम मेहनत करने के बाद भी कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन ये कहता है कि मेहनत करना जरूरी है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि सपोदेशक उसका दूसरा अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि परिश्रम करना जरूरी है क्योंकि परिश्रम से ही सब बातें फल मिलता है, आशीष मिलती है और मेहनत करना जरूरी है। इसलिए सपोदेशक उसका 1 अध्याय में लिखा है, आप उसे पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से वो सपोदेशक जो नीति वचन जो सुलेमान राजा उसने जो लिखा है वो कहता है कि मेहनत करना जरूरी है। लेकिन बाद में हम पढ़ते हैं, बाइबल का वचन पढ़ता है कि वो भी व्यक्ति निराश हो जाता है। सपोदेशक उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन में पढ़ता हूँ। सपोदेशक उसका 2 अध्याय और 2 वचन पढ़ता हूँ, 20 वचन पढ़ता हूँ। वहां लिखा है, तब मैं अपने मन में उन सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वो सारा परिश्रम किया लेकिन कहता है कि जो धरती पर मैंने परिश्रम किया, हो सकता है कि अलग अलग रीति से हम काम करते हो, बिजनेस करते हो या कोई किसी की नौकरी हो, तो उसके बाद वो कहता है कि मैं निराश हुआ और निराश होने के बाद फिर वो ये भी कहता है कि 2:21 में लिखा है कि क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है। यानी कोई बुद्धि से काम करता है, कोई परिश्रम से काम करता है, कोई ज्ञान से काम करता है, सफल हो जाता है लेकिन लास्ट में हम लिखता है कि ये सब कुछ होने के बाद भी वो
निराश हो जाता है। आखिर निराश क्यों हो जाता है अपनी मेहनत के ऊपर, क्या कारण है? और बाइबल तो हमें कहती है कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें निराश हो जाते हैं। बहुत बार लोगों का कहना है कि हम बहुत कुछ कमाते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें आशीष नहीं है, कहाँ चला जाता पैसा पता नहीं। कई लोगों का पैसा बीमारी में चला जाता है, कई लोगों का अलग अलग तरीके से चला जाता है, कमाते हैं लेकिन ये हाथ से चला जाता है, ऐसे शिकायत करते हैं। और बहुत बार हम सुनते हैं कि लोग मेहनत करते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं। अब यहाँ पे यही लिखा है कि ये सब कुछ धरती पर जो भी परिश्रम होता है उससे वो निराश हो, क्योंकि उसने अनुभव किया कि परिश्रम के बाद क्या होता है और परिश्रम का मतलब क्या है। और उसी निराशा के कारण, वो निराशा के कारण ये हो गया कि वो लास्ट में कहता है सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग, हमें जो कुछ भी धंधा मिला है, जो कुछ भी हमें नौकरी मिली है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें नौकरी दिया है, ये सब परमेश्वर से दी हुआ एक गिफ्ट है, दान है। शायद हम सोचते होंगे कि हमने मेहनत किया, हमने परिश्रम किया, लेकिन जो भी परिश्रम किया, जो भी मेहनत किया, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें मदद किया। इसलिए आज हम अपने मेहनत को हम बोलते हैं, लेकिन ये सब कुछ तो परमेश्वर ने ठहराए। आज हमारे पास जो भी साधन है, कमाई का साधन है, चाहे कंपनी में हो, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, या किसी भी प्रकार का हो या धंधा हो, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो ये जो परमेश्वर ने दिया है, इसे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन क्या हो जाता है, ये सब कुछ देने के बाद भी हम निराश हो जाते हैं, क्या कारण है हम निराश होने का? नीति वचन में लिखा है 10 अध्याय और 22 वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 10 अध्याय और 22 वचन में पढ़ता हूं। वहां पे लिखा है, धन यहोवा की ओर से, यानी धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। यानी मेरे प्रियो, धन जो है वो यहोवा की तरफ से ही मिलता है। हम जो मेहनत करते हैं वो जो धन है वो परमेश्वर की तरफ से मिलता है, और जो मेहनत करने के बाद जो हमें जो आशीष मिलती है, जो धन मिलता है, वो परमेश्वर हमें आशीष के साथ देता है, लेकिन वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। वहां पे लिखा है दुख नहीं मिलता। तो फिर हम जो मेहनत करते हैं वो दुखी क्यों हो जाते हैं, निराश क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है कि हम इतना मेहनत करने के बाद भी हम दुखी जीवन जीते क्यों है? क्यों हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इतना सब मेहनत करने के बाद कई बार हम लोग कहते कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम सफल नहीं हो रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं? मेरे प्रियो, जो मेहनत करते हैं उस मेहनत के ऊपर परमेश्वर का आशीष हमेशा बना रहता है। और जब जो परमेश्वर हमें धन देता है वो धन के साथ दुख नहीं देता है, दर्द नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष रहता है। तो क्या होता है फिर, क्यों ऐसा हो जाता है कि जो हम मेहनत करने के बाद भी हमारे साथ दुख होता है, फिर बाद में हम कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं कि हम इतना सारा सब कुछ करते हैं फिर भी हमारे साथ ये दुख क्यों है, ये तकलीफ क्यों है, सारा बीमारी में पैसा चला जाता है, अलग अलग प्रकार के इसमें कारणों में हम बहुत सारे लोगों का पैसा चला जाता है, फिर हम जो मेहनत करते हैं उस पर दुख क्यों आ जाता है, हम जो धन कमाते हैं उसमें जो पैसा मिलता है उसमें हम निराश क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर का तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर की तरफ से जो हमें आशीष मिलती है, जो मेहनत करते हैं उसमें दुख नहीं मिलता है। तो फिर हमारे मेहनत में शायद गड़बड़ होगी, शायद हम जो मेहनत करते हैं उसमें कुछ तो भी कमी घटी होगी जो हम मेहनत करते हैं, या हो सकता है कि परमेश्वर उस कामों से प्रसन्न नहीं होगा। हो सकता है कि हमने जो शुरुआत किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि सारे काम परमेश्वर से मांग के किया है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम परमेश्वर से ही प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास जो कुछ भी है, नौकरी है, कुछ भी साधन हो, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया तभी तो मिला। किसी न किसी ने हमारे लिए दुआ किया हुआ, इसलिए आज कंपनी में है, अच्छे नौकरी पे है, अच्छे धंधे पे है, किसी ना किसी की कोई ना कोई तो भी हमारे लिए दुआ किया, और वो दुआ के कारण, उस प्रार्थना के कारण आज हमें वो साधन मिला है। तो ये परमेश्वर की तरफ से मिला है। जब हमने प्रार्थना किया शुरुआत में, और तो हम उस समय हमने आनंद के साथ परमेश्वर को गवाही दिया और प्रभु का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने हमें दिया उसके बारे में हम गवाही देते हैं, फिर बाद में दुख क्यों आ गया, क्यों निराश हो गया, क्या कारण है?
मेरे प्रियो, परमेश्वर का तो वचन कहता है कि जो परमेश्वर हमें धन के साथ आशीष देता है दुख नहीं देता है, तो फिर बाद में हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्या गड़बड़ हुई है? क्या हमारे मेहनत के ऊपर परमेश्वर खुश नहीं है? बाइबल का वचन कहता है सपदिशत उसका 9 अध्याय उस 9 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है लास्ट में लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है, यानी परमेश्वर हमारे कामों से प्रसन्न था। जब हम मेहनत करते तब हमें आशीष में मिलती थी, हमें कोई बीमारी नहीं थी, हमें कोई प्रकार की तकलीफ नहीं थी। जब बीमारी थी तो भी वहां से निकल जाता था, सब बातों को परमेश्वर पूरी करता था। हमें ताकत मिलती थी, शक्ति मिलती थी, जो हम खाते थे उसमें चैन मिलता था, सब कुछ मिलता था, क्योंकि हम जो मेहनत करते थे शुरुआत में उसमें परमेश्वर का आशीष बना था। जो हमने शुरुआत किया था वो परमेश्वर का अनुग्रह से किया था। जो हमने शुरुआत किया था वो प्रभु का अनुग्रह भी हमारे साथ था। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उस समय हमारे कार्य को प्रसन्न था, लेकिन आज परमेश्वर हमारे कामों से, हमारे नौकरी से जो परमेश्वर ने दिया है वो प्रभु के तरफ से है, लेकिन आज हमारे काम पर परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं है? हमारे मेहनत के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं? क्या कारण है? और बाइबल का वचन कहता है कि तेरे कामों से मैं प्रसन्न हो चुका हूं। और ये लेखक कहता है कि वो प्रभु के वचन पे चला या परमेश्वर के नियम के अनुसार चला, इसलिए प्रभु परमेश्वर उसके कामों से प्रसन्न था। लेकिन आज हमारे कामों से परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं है? मैं प्रियो कुछ कारण आपको बताना चाहता हूँ क्या गलत है। सबसे पहली बात ये हो जाती है कि हम परमेश्वर ने हमें जो काम दिया है वो परमेश्वर की तरफ से है। ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर ने हमें जो भी साधन दिया है कमाई का वो परमेश्वर की तरफ से है, और आज हम उसके लिए मेहनत करते हैं, और फिर बाद में क्या हो जाता है कि हम मेहनत करते करते हम आगे बढ़ते हैं और मेहनत को इतना महत्व देते हैं कि वो मेहनत ऐसा हो जाता है कि वो मेहनत को ही परमेश्वर सोचते हैं और मेहनत को ही परमेश्वर को स्थान देते हैं, यानी परमेश्वर के स्थान पर मेहनत को महत्व देते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि मेहनत ही परमेश्वर है। मैं ये नहीं कहता कि मेहनत करना गलत है, मेहनत करना चाहिए क्योंकि हमारी जरूरत पूरी होगी, लेकिन इतना महत्व देते हैं कि सुबह से शाम तक और हर घंटा हर उनके शरीर में मेहनत मेहनत काम काम। मेरे प्रियो, ये भी गलत नहीं है, काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग काम नहीं करते इसलिए उनके परिवार में दुख है, तकलीफ है, और उनका परिवार पूरी सेटिस्फाई नहीं है, उनकी जरूरत पूरी नहीं होती है, और बहुत परिवार में रुकावट है। लेकिन ये नहीं कहता हूं कि ये भी गलत है मेरे प्रियो कि मेहनत को मेहनत के स्थान पर रखो और परमेश्वर को परमेश्वर के स्थान पर रखो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है कि मेहनत आगे हो रही है और परमेश्वर पीछे हो रहा है, यानी परमेश्वर को स्थान जो हम देना चाहते हैं वो बचा कुचा टाइम, बचा कुचा समय, जो हम सब कुछ करने के बाद 10 मिनट 5 मिनट या हफ्ते में से कुछ क्षण के लिए, वो हम इसमें हमने कुछ गलती किया है। जो हमें देना चाहिए था शुरुआत में हमने सब कुछ देते थे, लेकिन आज हम नहीं दे रहे हैं, यानी मेहनत को इतना महत्व दे रहे हैं कि कुछ लोग तो सब परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुबह उठे तो मेहनत, शाम हो गई तो मेहनत, रात में उनका सपने भी शायद मेहनत क्या गिरेगा कि कल कितना कमाना है, कल कहाँ जाना है, कल वो करना है, ये करना है। भाई आज भी कहता हूं कि ये गलत नहीं है, लेकिन हम कुछ खो रहे हैं, हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर का तो ये शुक्रिया है कि हमें प्रभु ने हमारे सही सलामत रखा ताकि हम मेहनत करते परिवार के लिए, और परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, परमेश्वर की दया रहेगी, तो उस मेहनत में परमेश्वर का आशीष बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेहनत को पहला स्थान दे रहे जा रहे और परमेश्वर को बचा कुचा टाइम दे रहे जा रहे, इसलिए परमेश्वर इस काम को प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर इससे ना खुश है, इसलिए हमारे मेहनत को प्रभु देखता है कि जब ये
इसे कुछ नहीं था तो मुझसे प्रार्थना करता था, या इसने नहीं किया होगा, इसके मम्मी ने किया होगा, इसके पापा ने किया, या परिवार का कोई तो भी व्यक्ति हमारे लिए दुआ किया होगा, इसलिए आज हमें ये नौकरी, ये साधन मिला है। लेकिन आज इसके पास टाइम नहीं है, आज इसके पास वक्त नहीं है, आज इसके पास समय नहीं है। आज परमेश्वर देखता है कि इसके कामों से प्रियो परमेश्वर उस कामों के ऊपर आशीष देता है, अनुग्रह देता है, कृपा देता है, ताकि हम उसे आगे बढ़ते रहे। लेकिन हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, यानी परमेश्वर को पीछे रख दिए हैं और मेहनत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को यह पसंद नहीं है कि हम मेहनत को पहला स्थान दें। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति मेहनत को पहला स्थान देता है और परमेश्वर को बाद में स्थान देता है, उनके परिवार में बहुत सारी परेशानी है। और आप देखते हो कि आज तक जो व्यक्ति ज्यादा अपने मेहनत को महत्व देता है, उनके घर में समाधान नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, और वो सैटिस्फाई नहीं है, और आखिर मेहनत करने के बाद भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनके मन में अशांति पना जाती है, निराश पना हो जाते हैं। और पैसा बहुत कुछ आता है, मेहनत के ऊपर मेहनत करने के बाद आशीष या आशीष से वंचित हो जाते हैं, और परिवार के जीवन में बहुत सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। मेरे प्रियो, मेहनत करना ही है, लेकिन मेहनत को मेहनत के स्थान पर रखिए और परमेश्वर को परमेश्वर के स्थान पर रखिए। मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर को मत दे। कुछ लोग तो मेहनत को ईश्वर ही समझ लेते हैं। मेरे प्रियो, कैसी सोच है लोगों की? और जब परमेश्वर ने तुमको बना ही नहीं था तो तुम मेहनत कैसे कर सकते थे? परमेश्वर तुमको बनाया, सही सलामत रखा, इसलिए हम मेहनत करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर देखता है हमें और हमारे जीवन को देखता है, हमारी मेहनत को देखता है कि किस प्रकार से हमने मेहनत को पहला स्थान देते हैं, या मेहनत को हम किस प्रकार के दर्जा देते हैं। मेरे प्रियो, मेहनत करना है, लेकिन पहला स्थान परमेश्वर को देना है। सबसे पहले तो पहले परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप काम धंधा छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप परमेश्वर के पीछे आइए, ये नहीं कहता हूँ। मेरे प्रियो, पहला स्थान मतलब तो कि कुछ भी काम करने से पहले परमेश्वर से सलाह लें, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मेहनत के लिए, सारे चीज के लिए पहला स्थान परमेश्वर को दे। तो ये अगर आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर उसे खुश हो जाएगा, और जो मेहनत करते उसमें उन्नति हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम मेहनत को बहुत ही महत्व देते हैं। कई बार तो हमारी अक्ल को बहुत महत्व देते हैं, कई बार तो हम तो ज्ञान को महत्व देते हैं, कई बार तो अपने बुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं। मेरे प्रियो, देना ही चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने भी दिया है, लेकिन जिसने दिया है उसे थोड़ा तो भी याद करना है ना। हमारे हाथ पैर को ठीक किया और सही सलामत रखा, उसको याद करना है कि नहीं करना है? मेरे प्रियो, तो इसलिए जब हमारी सब कुछ, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो हम अच्छे मेहनत कर सकते हैं। तो परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि हम ज्यादा उसको या मेहनत को महत्व दे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पहले परमेश्वर को महत्व दे, फिर बाद में उसके काम को महत्व दे। आदम को जो परमेश्वर ने बनाया तो उसके मेहनत के लिए नहीं बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता कि उसके संगति रहे। जब हम उसके संगति रहेंगे, साथ रहेंगे, तो परमेश्वर मेहनत को आशीष करता है। पहले हमारा, मैं ये नहीं कहता कि घर के खाली मुखिया से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति परिवार में से हर एक व्यक्ति जो मेहनत करता है, उन सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि पहला स्थान और पहली संगति परमेश्वर के साथ व्यतीत करिए। परमेश्वर के बातों की तरफ ध्यान दीजिए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, तब हमारे जीवन के ऊपर पहला स्थान आएगा परमेश्वर को देने के लिए, और परमेश्वर उसे आशीष करेगा। मेरे प्रियो, दूसरा कारण यह है कि क्या गलती हो जाती है, क्यों पसंद नहीं होता है हमारी मेहनत, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो हम ये कहते हैं कि मैंने ये किया है। यानी परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हम भूल गए, और अब हम ये कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है। अरे, मेरे बल पर किया है, मैं अपने ताकत से किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर को कहना चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया है, आज मेरा धंधा बढ़ रहा है, मेरा काम बढ़ रहा है, आज मेरी उन्नति हो रही है, मेरी पद उन्नति हो रही है, मेरी नौकरी में बढ़ोतरी हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, हर चीज में ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है। लेकिन हम उसके बदले में हम ये कहते हैं ये मैंने सब किया है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए हम जो शुरुआत में हम जो करते हैं वो धीरे धीरे बदल जाता है, और ऐसे कहते हैं कि मैंने ये किया,
जाता है और इसके कारण परमेश्वर जो है वो नाखुश हो जाता है और परमेश्वर में आशीष करने से वंचित कर जाता है और फिर बाद में जीवन में कुड़कुड़ाहट हो जाती है। मेरे प्रियो, जो भी हम कमाते हैं वो सब ये कहना चाहिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने मुझे कमाने के लिए ताकत दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, इसलिए आज मैं काम करता हूँ और आज मेरे काम के ऊपर, मेरे हर एक इसमें के ऊपर प्रभु का अनुग्रह करके आपको और मुझे कहना चाहिए। लेकिन हम ऐसे करते नहीं है, इसलिए हमारे मेहनत के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। मेरे प्रियो, तीसरा कारण एक बताना चाहता हूँ कि कई लोग जो है सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी, यानी सब कुछ मिलने के बाद भी कुड़कुड़ाते रहते हैं। मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाने का जो स्वभाव ये गलत है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में वो बातें डाल सकता है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम कहते ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसमें ये कमजोरी होगी, उसमें ये हो गया, इसमें इतना पैसा गया, उसमें ये पैसा गया, इसमें हम सैटिस्फाई नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए निर्गम उसका 16 अध्याय में इसराइल लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि निर्गम उसका 16 अध्याय और 16 का 2 वचन हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है कि जंगल में इसराइली की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगे, क्योंकि हमेशा ये इसराइली लोग प्रभु के दास के विरुद्ध बकबक करते थे, हमेशा कुड़कुड़ाते थे और इसराइल लोगों को परमेश्वर हर चीज को पूरी करता था। यहां पे लिखा है उनको मन्ना दिया परमेश्वर, लेकिन वो सब कुछ एक जगह पे उनको पानी नहीं था और पानी के बारे में कुड़कुड़ा रहा था। उसके आगे वाले 15 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है कि वो पानी के लिए कुड़कुड़ा रहा था, तो उनके लिए पानी दिया परमेश्वर, उनके लिए खाना नहीं था खाना दिया परमेश्वर, उनकी जरूरत पूरी करता है परमेश्वर, फिर भी वो कुड़कुड़ाते हैं और कुड़कुड़ना के कारण परमेश्वर उनकी कुड़कुड़ना को देखकर 8 वचन में लिखा है कि तुम्हारा जो बुड़बुड़ना है वो हम पर नहीं पर लेकिन परमेश्वर पर होता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि हमें जो मिला है वो मिलने के बाद भी हम फिर से उस बात पर हम कुड़कुड़ाते हैं, तो आप अपनी मेहनत के ऊपर नहीं कुड़कुड़ाते हो, आप परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो चीज को दिया है लेकिन उसमें सैटिस्फाई नहीं है, उसमें खुश नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे बिजनेस हो या काम में हो या नौकरी में कम ज्यादा होता ही रहता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन हर समय हमें ये मन होना चाहिए सैटिस्फाई है, संतुष्ट वाला। लेकिन शैतान जो है वो हमारे मन में वो बातों को नहीं लाता है, शैतान हमारे मन में झूठ बोलने के लिए बोलेगा और इसलिए तो हम लोग बाइबल का वचन पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है कि परिशुद्ध के काम उसका 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पे एक स्टोरी है कि किस प्रकार से हन्ना और सफरया के जीवन में हम देखते हैं कि वो उनको धन से वो झूठ बोल रहे हैं। अभी बाद में पत्रस उनको कहता है कि तुमने ये बात है तो शैतान तुम्हारे मन में ये बात है कैसे डाला और वो झूठ बोलने लगे। यानी कहने का मतलब है कि शैतान झूठ का मन डाल सकता है, जबकि हम संतुष्ट है फिर भी हम हमारी मेहनत के ऊपर हमें कुड़कुड़ा का मन डाल सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमने जो मेहनत किया है उससे हम लोग सैटिस्फाई क्यों नहीं है, हम नहीं होते हैं, क्योंकि हम फिर बाद में हम उसमें खुश नहीं होते हैं, हम उससे कुड़कुड़ा का मन होता है और कुड़कुड़ा के कारण परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम कुड़कुड़ा, क्योंकि ये कुड़कुड़ा परमेश्वर को होता है। इसलिए जो कुछ भी है हम उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और चौथा कारण ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है मत्ती उसका छठवां अध्याय और 21 वचन में लिखा है, यह परमेश्वर का पसंद नहीं है। हमारे मेहनत के ऊपर परमेश्वर पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कहीं तो भी भटक गए और ये हो जाता है, जैसे मैं वचन पढ़ता हूं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे प्रियो, अगर हमारा धन वहां पे है तो हमारा मन भी वहां रहेगा,
तो क्या हो जाता है कि हम मेहनत करते करते ऐसा हो जाता है कि मेहनत को ज्यादा महत्व देते हैं और हमारा मन उसमें लग जाता है और धन से प्यार हो जाता है। मेरे प्रियो, धन बुरी नहीं है, धन कमाना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने आशीषित किया है। बाइबल में बहुत सारे सुलेमान को परमेश्वर ने उसे आशीष किया, बहुत सारे राजा को परमेश्वर ने आशीष किया, धन से उसको आशीषित किया है। लेकिन क्या हो जाता है कि धन से प्यार नहीं होना चाहिए और मेहनत करते करते ऐसा हो जाता है कि हम धन से प्यार करने लगते हैं और ये परमेश्वर को एक भी जरा भी पसंद नहीं है। इसे प्रभु का वचन कहता है कि धन से प्यार करते हैं तो वो गलत है मेरे प्रियो, क्योंकि धन से लगाव हो जाता है। मेहनत करते करते हमारा जो मन है वो धन से लेके लगाव हो जाता है। इसलिए तो कई परिवार में परिस्थिति ऐसे विकट आ चुकी है कि परिवार की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि उनका लगाव हो जाता है धन से, और कभी भी लगाव होने के बाद वो व्यक्ति वहां से छूटना मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर मन लग गया तो वहां से निकल कर बहुत कठिन है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इसमें फंस चुके हैं, बहुत सारे के जीवन में अच्छे अच्छे लोग जो कमाए हैं वो नाश हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि धन बुरा है, लेकिन लगाव अगर लगेंगे, इसलिए यीशु ने कहा कि जहां तेरा धन है, क्योंकि हमारा मन जो है जल्दी लग सकता है धन पर, और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम उससे प्यार मत करो। और यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, वहां पे लिखा है कि पहला यूहन्ना 2:5 इस प्रकार से लिखा है, 2:15 में लिखा है कि तुमने तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यानी यहां पे लिखा है कि संसार के और संसार की वस्तु से प्रेम मत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि धन जो है वो हमारा प्रेम को छीन सकता है, हमारे परिवार का प्रेम छीन सकता है, हमारे पति पत्नी का प्रेम छीन सकता है। और हम देखते हैं कि धन के कारण कितने लोगों का हत्या हो चुका है, क्योंकि धन जो है वो हमारे प्रेम को छीन लेता है। और इसलिए प्रभु को मालूम है कि हमारा मन जो है वो अगर धन के प्रति लग जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। जहां तेरा धन है, अगर मान लीजिए हमारा धन कहां पर है, उधर ही हमारा मन लगेगा और वो उसे प्यार करेगा। इसलिए प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम उससे ज्यादा प्यार करें, और ये प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम तकलीफ में जाए। इसलिए हम जो मेहनत करते मेरे प्रियो, उस मेहनत में हम दुखी क्यों हो जाते हैं, निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम धन से ज्यादा प्यार करने लगते हैं धीरे धीरे, और यही कारण है। और पांचवी बात हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का और यह पसंद नहीं है कि हम कि बहुत धन कमाकर हम अपने जीवन को नाश करें, क्योंकि हम बड़ा बनना चाहते हैं, हम उस भाई के समान हम भी उस लेवल पर आना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिसको जहां रखा है वही संतुष्ट रहिए, क्योंकि हमारे जीवन में यह देखते कि संसार में वही व्यक्ति धनवान है, संसार के लोग उसको धनवान कहते हैं जिसके पास धन दौलत और प्रॉपर्टी बहुत सारी है, उसको मान सम्मान वैभव सब कुछ उसको दिया जाता है। तो मेरे प्रियो, हम उस बात में गलती कर जाते हैं कि मेहनत करते करते हमारा जो नजर जो है वो इस प्रकार से लेवल पे चला जाता है कि हमें आदर और सम्मान में, क्योंकि जहां जिसके पास धन दौलत होती है उसको आदर सम्मान और प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार लूका उसका 16:15 में लिखा है और 12:19 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से कोई भी धनवान नहीं है। अगर इस संसार का, इस दुनिया का कितना बड़ा, बड़े से भी बड़ा क्यों धनवान क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजर से वो धनवान नहीं है, वो संसार की दृष्टि से धनवान है। उसके पास करोड़ों पैसा हो सकता है, वो पैसे से कुछ भी ले सकता है,
और कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमारा जो नजर, हमारा जो सोच ऐसी चली जाती है कि हमें इसलिए कमाना है कि हम समाज में, परिवार में हमें प्रतिष्ठित होना है। मत्ती उसका 4:8 में लिखा है कि जिस प्रकार से यीशु की परीक्षा होती है और वहां परीक्षा होने के बाद यीशु मसीह को सैतान कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, वैभव है। मेरे प्रियो, पैसा गलत नहीं है, लेकिन पैसे के साथ हमें आदर सम्मान चाहिए। प्रियो, जो आदर सम्मान परमेश्वर को देना है, परमेश्वर उस लेवल पे लेके आता है, लेकिन वो अपने ऊपर लेते हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो जो हम मेहनत करते हैं, वो सोच ऐसी हो जाती है कि हम मेहनत के साथ हमें आदर और सम्मान मिले। परमेश्वर उसके लिए ठहरा है, वो नियुक्त समय पर प्रभु हमें आदर सम्मान देगा। लेकिन कई बार ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें प्रभु ने दिया है उसको हम भूल जाते हैं और सारी महिमा, सारा आदर अपने ऊपर लेते हैं कि हमने ऐसा किया है, उस चीज पर हम लोग चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हर कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। मेरे प्रियो, बड़ा बनना कोई गलत नहीं है, लेकिन सोच ये हो जाती है कि जो व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, जब बड़ा हो जाता है, वो दूसरों को तुच्छ मानता है। और इसलिए शपथ में लिखा है, वो प्रभु का लेख या परमेश्वर का दास कहता है कि जितना हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहे, क्योंकि जो मेहनत करता है वो दूसरे से बड़ा होने के लिए करते हैं, जलसी के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, हम जो मेहनत करते हैं उस पर परमेश्वर इसलिए प्रसन्न नहीं होता कि हमारी सोच बदल जाती है, हमारा विचार बदल जाता है, और परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति की सोच बदल गई है और परमेश्वर उसे उसके तरफ देखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रभु ने हमें दिया है तो उसे सम्मान दे, उसे आदर दे, और भी इससे भी प्रभु देगा तो सारी महिमा हम उसको दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। छठवां कारण यह है कि हम जो मेहनत करते हैं और जो हमें पैसा मिलता है उस पर हम निर्भर रहते हैं, यानी पैसे से सब कुछ करना चाहते हैं और पैसों को इतना हम महत्व देते हैं कि सब कुछ, उससे सब कुछ खरीद सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। और मेरे प्रियो, सही बात है, पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसे के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं रह सकते, पैसा ही सब कुछ निर्भर नहीं है। तो हम जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत करने के लिए हम ये सोचते हैं कि भाई अभी पैसा ही सब कुछ है और मेहनत ही सब कुछ है और पैसे पर सब कुछ निर्भर रहना है, और इसके कारण परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम उस पर पैसे के ऊपर निर्भर रहे। परमेश्वर चाहता है कि कितना भी धनवान क्यों ना हो, या गरीब क्यों ना हो, या गरीब से गरीब क्यों ना हो, या परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम धन पर गर्व करते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं, तो जो हम जो मेहनत करते हैं वो हमारी सोच बदल जाती है और हम मेहनत के ऊपर और धन के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तेरी मेहनत से मैं दुखी हूं। सात कारण यह है, सातवां कारण, पहला तिमोथ उसका 6 उसका 10 में लिखा है, आप उस वचन को आप पढ़ सकते हो। उसमें लिखा है कि रुपया सब बातों का जड़ है, यानी यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो हम मेहनत करते हैं वो मेहनत पे हमारी लालच उठ जाती है और हम लोग उसमें और भी बढ़ते रहते हैं। बाइबल में लिखा है कि रुपया सब बातों का जड़ है, बुराई है, और हम लालच में चले जाते हैं। मेहनत अच्छी है, लेकिन हमारे जो लालच है वो गलत है, और इसके कारण हम लोग मेहनत करने के बाद भी हम परेशानी उठाना पड़ता है, दुख होते हैं। लूका उसका 12 में और 19 में लिखा है कि इस प्रकार से कि यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन रहता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है और उसके पास रखने के लिए जगह भी नहीं रहती, वो कहीं तो भी जगह बनाता है
और अपना धन को प्रॉपर्टी रखता है। और ऐसा वो कहता है कि अब मेरे जीने के लिए बहुत सब कुछ हो गया, लेकिन प्रभु का वचन वहां पे कहता है यदि तेरा प्राण आज लेके जाए, हे मूर्ख, तेरा प्राण अगर लेके जाएगा तो तू क्या हो गया। यानी कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है कि खा पी और ऐश कर। मेरे प्रियो, मेहनत जो हम जो करते हैं वो खाने और पीने के लिए और आनंद करने के लिए है, लेकिन ऐसे हमारी सोच हो जाती है कि मेहनत को ही हम उसे इतना दर्जा देते हैं और खाने पीने के इतना महत्व देते हैं कि अपने लाइफ को किस प्रकार से रखना है और अंत में हमारे साथ क्या होगा वो हम भूल जाते हैं। तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें यह भी सोचना है कि हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया, हमें खाने पीने के लिए नहीं, लेकिन हमें इसलिए बनाया कि हम उसके साथ संगति करें, उसके स्मरण करें, क्योंकि उसने हमें बनाया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे मूर्ख, अगर आज तेरा प्राण निकल के जाए या प्राण लेके जाए तो क्या हो जाएगा। मेरे प्रियो, बाहर की प्रॉपर्टी, दुनिया की प्रॉपर्टी, यह सब कुछ हमारी जरूरत के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा के लिए सुख शांति के लिए नहीं है। और उससे हमारे ना जीवन में सुख और शांति आ सकती है, खाली हमारी जरूरत पूरी हो सकती है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए प्रभु जी ये भी कहता है कि हमें इस जीवन में मेहनत करते समय हमें आनंद तो करना है, खुशी तो करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें प्रभु की तरफ से सपुदेश उसका 4 वचन में लिखा है कि ये भी एक गिफ्ट है कि प्रभु ने दिया है, कि जो हम प्रभु ने भी दिया है, मेहनत करके हम खुश रहे, शांति के साथ खाए और चैन के साथ खाए, ये भी प्रभु का दान है, प्रभु ने दिया है। बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन उनके अंदर चैन नहीं है और ना उनके सुख से खा नहीं सकते, क्योंकि कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि वो चीज को महत्व दे रहे हैं कि मेहनत करते 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 वो परमेश्वर को भूल गए, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको क्रिएट किया, जिसने उसको आशीष किया, जिसने उसको सब कुछ उसको करने के लिए उस लेवल पे लेके आया, उसे भूल गए। और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम उसमें अपना मन लग जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको याद करें, और परमेश्वर ने बनाया है और उसका आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि खा पी और ऐश कर, यही लाइफ का जीवन है। मेरे प्रियो, आज हम धोखे में हैं। ये खाना पीना तो सब सही है, लेकिन क्या हम ये नहीं सोचे कि एक दिन ये सब कुछ छोड़ के हम लोग चले जाएंगे और हमारे साथ क्या होगा, कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं है। और मेहनत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और मेहनत को इतना कि मेहनत को ही परमेश्वर सोचते कुछ। मेरे प्रियो, मेहनत ही परमेश्वर नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। और अच्छा, ये लगता नहीं कि हम परमेश्वर को छोड़ दें, इसलिए मेहनत करते करते हम परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है उसे हम लोग धीरे धीरे छोड़ देते हैं। और यही कारण है, इसलिए बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और परमेश्वर से अलग होने के कारण आज उनके जीवन में परिस्थिति, उनके जीवन में आज उनके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम जो मेहनत करते हैं हमारे जरूरत के लिए पूरी करने के लिए है, लेकिन हमारा लगाव धन के ऊपर हो जाता है और धन को इतना महत्व देते हैं कि इसलिए प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि धन और परमेश्वर ये दोनों साथ में सेवा नहीं हो सकती। क्यों यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि शैतान के साथ, परमेश्वर और शैतान और संसार
ये शब्द नहीं बोला, लेकिन धन को इस्तेमाल किया, क्योंकि धन जो है वो परमेश्वर का स्थान ले सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग धन को इतना महत्व देते हैं, और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम मेहनत करते करते समय हम ये गलती करते हैं कि धन से बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, धन हमें झुका भी देता है, झुकाता है। एक बार यीशु के साथ ऐसा ही हुआ। मत्ती उसका 4 उसका 8 वचन में लिखा है कि यीशु की परीक्षा होगी, और यीशु की परीक्षा जब हुई तब सैतान ने उसे कहा कि ये सब कुछ मेरे पास है, दुनिया की हर चीज मेरे पास है, तू खाली मुझे दंडवत कर, प्रणाम कर। उसे झुकने के लिए कहा, धन की लालच देकर झुकने के लिए कहा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि धन के कारण लोगों को झुकाते हैं। इसे परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि हम किसी बात में गिर जाएं, और परमेश्वर ने जो जीवन दिया उसके तरफ ध्यान दें, और धन के कारण हम अपना जीवन बर्बाद ना करें। लेकिन ऐसा होता है और ऐसे करते हैं। मेरे प्रियो, एक सुझाव बताना चाहता हूं कि धन हमें परमेश्वर भी देता है और सैतान भी देता है। जैसा हमने यीशु की परीक्षा होती है तो वहां पे सैतान उसे कहता कि मेरे पास सब कुछ है। मेरे प्रियो, हम जो मेहनत करते हैं वो हमारी ट्रक सैतान हमें इतना गलत राह पर लेके जा सकता है कि हमें बाहर आने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इतना लगाव हो जाएगा, इतना हम उसे प्यार करेंगे, इतना लगाव हो जाएगा कि हम उसे बहुत महत्व देंगे, और इतना धनवान करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जितने भी सारे लोग धनवान है उसे सैतान ने दिया, नहीं, लेकिन वो भी दे सकता है। इसलिए पहचानना जरूरी है। प्रियो, हमारे जीवन में उसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन दुख भी मिलेगा, तकलीफ भी मिलेगा। बहुत बार जो कुछ हम कमाते हैं या हाथ से दवाखाना चले जाते हैं, बहुत बार अलग अलग स्थिति में उसको इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग घटनाओं के लिए, उसे बीमारी के लिए, दुख के, तकलीफ के लिए उपयोग होता है। मेरे प्रियो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा पैसा वहां गया, इधर गया। प्रियो, जो धन आता है और हमें धन जो मिलता है उसे सोचना चाहिए कि धन ये कहां से मिलता है, क्योंकि धन के साथ दुख नहीं मिलता है। जैसे कि हमने नीति वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर अगर धन देता है तो दुख नहीं देता है। हम मेहनत करते हैं तो हमारे साथ परमेश्वर आशीष देता है, दुख नहीं देता है, लेकिन दुख क्यों मिलता है? मेरे प्रियो, हमारे लगाव शैतान इस तरह से खींचता है लोगों को, कि शैतान को खींचने का एक हथियार है धन, और लोगों को इतना अपने तरफ खींचेगा धन का माध्यम बनाकर कि लोग परमेश्वर को छोड़ देंगे। और इसलिए हमें पहचानना जरूरी है। और जो परमेश्वर से मिलता है वो कम मिलता है लेकिन सेटिस्फाई रहता है, चंगाई भी रहती है, शांति भी रहती है, समाधान भी रहता है। बीमारी तकलीफ आएगा लेकिन परमेश्वर उपाय भी करेगा, और हमें चैन भी मिलेगा। हम जो मेहनत करते हैं उस पे परमेश्वर का आशीष रहेगी। तो यह पहचानना जरूरी है। मेहनत की तरफ हम ध्यान देंगे, लेकिन मेहनत के साथ हमें कुछ बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो हम जीवन भर हम लोग जो मेहनत करते वो खुश नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, सैतान भी कभी कभी बड़ा बनाना चाहता है, मैं तुझे दूंगा, तू मुझे दंड मत कर। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में दाविद कहता है कि मुझे ज्यादा भी मत दो और मुझे कम भी मत दो, क्योंकि ज्यादा देगा तो मैं तुझे भूल जाएगा, और कम मिलेगा तो मैं दूसरे के सामने अपने हाथ को फैलाएगा। मेरे प्रियो, यही प्रार्थना करना है कि हमें ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, लेकिन सैतान हमें उस षडयंत्र में डाल देता है
और कहीं परिवार ऐसे बर्बाद हो गए, कहीं परिवार ऐसे बर्बाद हो गए। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है मेरे प्रियो। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जरूरत है और जरूरत पूरी हो रही है, वह अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से भी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा वो लालच करना बहुत बुरी बात है। परमेश्वर ने हमारी जरूरत पूरी करता है, और जो जरूरत पूरी होती है उसमें परमेश्वर का आशीष है, लेकिन जरूरत से भी ज्यादा हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि जरूरत से ज्यादा बुरा है, लेकिन उसमें लालच बढ़ती है और उसमें बुराई आ जाती है और हमारा मन खींच जाता है मेरे प्रियो। इसलिए सब उपदेशक उसका 5 उसका 6 वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि चैन के साथ अगर एक मुट्ठी भी है हमें अगर धन मिलेगा, चैन के साथ हम जो मेहनत करेंगे, हम जो मेहनत करते हैं हमें चैन होना चाहिए, और उस चैन में जो हम मेहनत करेंगे उस मुट्ठी में परमेश्वर का आशीष होना है और वो ही अच्छा है। बाइबल में लिखा है कि वो 2 मुट्ठी से क्या फायदा अगर कमाएंगे तो 10 घर के, मैं ये नहीं कहता कि घर के लोगों को मेहनत करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा, मेहनत कीजिए, लेकिन यहां पे ये कहता है प्रभु का वचन, ये कहता है कि चैन के साथ अगर एक मुट्ठी कमाएंगे, यानी थोड़े में हम लोग थोड़ा कमाएंगे तो उसमें परमेश्वर का आशीष रहेगा। इसका मतलब यह है कि यह परमेश्वर के तरफ से मिलने वाला धन चैन मिलता है, आशीष मिलती है मेरे प्रियो। बाइबल में बहुत सारे वचन लिखा है कि जो आज तक जो रुपये से प्रेम किया है वो बर्बाद हो गया मेरे प्रियो, और जितना हमारे पास पैसा रहेगा हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आज तक इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि धन प्राकर तृप्त हुआ, उसको मरते दम तक बोलेगा मुझे और चाहिए और चाहिए, और अंत में उसका जीवन नाश हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि पैसा बुरा है, लेकिन प्रियो उसमें मन लगाकर, उसके लगाव लगाकर अगर हम आगे और अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो बुरा हो सकता है प्रियो। या एक बात हमेशा याद रखिए, जितनी संपत्ति बढ़ती है उतने बहुत सारे लोग खाने वाले बढ़ते हैं। कई बार तो हम लोग क्यों कमाते करके हम टेंशन आता है मेरे प्रियो, यह गलती करते हैं हम लोग कि हम मेहनत को इतना महत्व देते हैं कि मेहनत ही परमेश्वर बोलते और यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। दूसरी बात है कि जो कुछ परमेश्वर देता है वो ये कही कि प्रभु की ताकत से मुझे हमें मिला है, प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला है, प्रभु की दया से हमें मिला है, इसलिए प्रभु को महिमा दे, और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहे, जो कुछ हम मेहनत करते हैं उसमें संतुष्ट रहे तो हम निराश नहीं होंगे, और हम पहले परमेश्वर से प्रेम करें फिर धन, पहले परिवार से प्रेम करें फिर पहले बच्चों से प्रेम करें मेरे प्रियो। अगर हम लोग पहले परिवार से प्रेम करेंगे, बच्चों से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वालों से ही आशीष देता है, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारा धन लाभदायी होगा, हम खुद खाएंगे। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो धन हम जो कमाते हैं वो दूसरा कोई खाता है, क्योंकि हम इस बात की गलती करते हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करें, और जो कुछ हमें प्रभु ने दिया है उसे आदर सम्मान प्रभु को दीजिए, परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए सुलमन राजा ने कहा कि ये सब कुछ दिया है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और हमेशा प्रभु की बड़ाई करें और प्रभु पर निर्भर रहें, धन पर नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, और जो कुछ भी है वो खुश रहिए, लालच मत कीजिए। परमेश्वर हमारे मेहनत के ऊपर आशीष देना चाहता है, हमें
निराश नहीं रखना चाहता है। लेकिन गलत हम ये करते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, मेहनत को बहुत महत्व देते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि हम मेहनत ही करें। हमें बनाने का मकसद क्या है? कि एक दिन हम लोग उसके पास जाएंगे, एक दिन हम उसके साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, जो कुछ हमारे पास है वो यही रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और पहले परमेश्वर को स्थान दें। अगर इस दुनिया में बहुत कुछ कमा है लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आपका संबंध नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए लोग निराश हो जाते हैं कि वो परमेश्वर को पहले स्थान देते नहीं और धन से बहुत लगाव लगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम जो मेहनत करते हैं और हमें जो मेहनत के लिए जो साधन दिया है यह परमेश्वर की तरफ से है। इसे हम प्रभु ने दिया है और जो कुछ भी प्रभु हमें देता है उसे हम खुशी के साथ रहें और परमेश्वर को पहला स्थान दें। और आज हमें जो मेहनत करने के लिए जो ताकत और शक्ति दिया है ये सब कुछ प्रभु के तरफ से भी दिया है, हम विश्वास करते हैं। प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। और आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं और ये दुआ हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।